टुडे इज 27 जून 2020। अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट आएगी, S&P। LIC के प्रीमियम में सुधार, कंपनी का नया कारोबारी प्रीमियम मार्च अप्रैल मई में गिरने के बाद जून में बढ़ा। विकसित बाजारों से आगे सेंसेक्स, कोरोना वायरस से कमजोर हुआ रेशम का धागा, रेशम कारोबारियों के सामने पूंजी डूबने का खतरा। ITC का शुद्ध मुनाफा बढ़ा, ITC लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि मार्च 2020 में समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 9.28% की बढ़ोतरी के साथ 3,926.46 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ईरान गैर तेल आयात पर यूको बैंक की नज़र, पेयर के बदले केयर पर विचार संभव। हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्किन लाइटनिंग ब्रांड फेयर एंड लवली ने भारत में करीब 4 दशक के दौरान त्वचा में निखार की मार्केटिंग करते हुए पूरा बाजार तैयार किया। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस ब्रांड के निखार संबंधित उत्पादों के करीब 5000 करोड़ रुपए का बाजार में 40% हिस्सेदारी है, लेकिन कंपनी ने अब इसे एक नई पहचान देने का निर्णय लिया है। ब्रांड विशेषज्ञों का कहना है कि फेयर एंड लवली को नया नाम देना आसान नहीं होगा, लेकिन दीर्घावधि संभावनाएं बरकरार रहेंगी। एक्सचेंजर से के शानदार नतीजे के बाद IT शेयरों में उछाल, भारतीय IT फर्मों के लिए कुछ सकारात्मक खबर लेकिन चिंता भी बनी हुई है। इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा 6.6% की उछाल आई, जबकि TCS में 4.9%, विप्रो में 3.3% और SCL टेक्नोलॉजीज में 2.3% का इजाफा हुआ। मार्च 2021 तक HFC का NPA 2.5% से 3% रहने की आशंका। लवासा कॉर्प का नया फॉरेंसिक ऑडिट चाहे भारतीय स्टेट बैंक, अन्य लेनदारों ने भारतीय स्टेट बैंकों से फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भुगतान करने को कहा है। वित्त वर्ष 2020 में बैंकों का वैश्विक व्यवसाय बढ़ा, टाटा पावर को महाराष्ट्र का सहारा, आयातित कोयले की लागत में बढ़ोतरी से होने वाले नुकसान के कारण टाटा पावर कर रही है बिजली के दाम बढ़ाए जाने की मांग। टाटा के गुजरात स्थित मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा खरीदते हैं बिजली। अब तक गुजरात और महाराष्ट्र ही खरीद समझौते पर फिर से काम करने को हुए सहमत। कोयले में FTI का विरोध, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FTI को अनुमति देने का विरोध किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने सरकार के इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना से यूपी को होगा लाभ, मोदी। 4 रेलवे स्टेशनों के विकास पर 32 फर्मों की दिलचस्पी, नागपुर, ग्वालियर, अमृतसर और साबरमती रेलवे स्टेशनों के सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी मॉडल पर विकास करने पर कम से कम 32 कंपनियां ने दिलचस्पी दिखाई है। दिल्ली में डीजल और पेट्रोल के दाम 80 रुपए के पार,
सीमाओं का आकर्षण। सीमाएं प्रायः अत्यंत पवित्र बन जाती है। स्कूली बच्चों को अपने देश के मानचित्र से अवगत कराया जाता है। वे इतिहास, भाषा, धर्म और संस्कृति के साथ अपने देश के भूगोल के बारे में भी जानते हैं। भारत में भी ऐसा ही है। पूरा इतिहास काल से ही हमारे देश का अस्तित्व एक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट के बजाय एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में अधिक रहा है। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने देश के हर कोने की यात्रा करके धार्मिक अध्ययन के केंद्र स्थापित किए। उस वक्त दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से में पल्लव शासकों का और उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन था, लेकिन जाहिर है कि पासपोर्ट वीजा जैसी कोई व्यवस्था लागू नहीं थी। राष्ट्र राज्य की बात करें तो उस मामले में भी अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता है कि उसने कब और कैसे आकार लिया। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि 19वीं सदी के आखिर में भारत माता के रूप में देश का मानवीकरण किया गया। उदाहरण के लिए वैदिक भारत देश के पश्चिमोत्तर में स्थित था। वैदिक युग के बाद साम्राज्यों का विस्तार बिहार में और पूर्व तक हुआ। आज तक पूर्वोत्तर भारत ब्रिटानियों द्वारा लड़ी गई जंगों का परिणाम है। असम सन 1826 में राष्ट्रीय सीमा में तब आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1824 में एक खूनी जंग के बाद उसे तत्कालीन बर्मा के राजा से हासिल किया। दार्जिलिंग को सिक्किम के चोंगयाल स्थानीय शासक से लीज पर लिया गया था ताकि एक सेहत गाह स्थापित किया जा सके। सिक्किम के पाल के गोरखा काबिज हो गए थे। यह चोंगयाल को तब वापस मिला जब ब्रिटिश ने इसे नेपाल से वापस लिया। कालिम्पोंग और द्वार्स दार्जिलिंग का हिस्सा सन 1865 में भूटान के साथ लड़ाई के बाद ही बन सके। इसके बावजूद आज ये सभी भारत का अभिन्न अंग है। सिक्किम भी सन 1975 से भारत का अभिन्न हिस्सा है। संक्षेप में कहें तो सीमाएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक लचीली होती है। भारत का वर्तमान मानचित्र, जिसमें समूचे अक्साई चीन को भारतीय भूभाग में दर्शाया जाता है, वह सबसे पहले सन 1950 के दशक के मध्य में प्रकाशित हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि पिछले मानचित्र को नष्ट किया जाए जिसमें सीमावर्ती इलाके को स्पष्ट विभाजित नहीं दिखाया गया था। ऐसी सीमा का प्रस्ताव एक ब्रिटिश अधिकारी ने 19वीं सदी में रखा था, लेकिन स्वयं ब्रिटिश भी करीब आधे अक्साई चीन पर ही दावा करने को प्राथमिकता देते थे। नेहरू ने स्पष्ट रूप से अधिक महत्वाकांक्षी दावा किया। चीन का ऐतिहासिक दावा भी बेहतर नहीं है। सिनचियांग, अब अक्साई चीन, इसका प्रशासनिक हिस्सा है, को पारंपरिक रूप से उत्तर में कुल कुनलुन पहाड़ियों तक माना जाता है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का अहम तवांग वाला हिस्सा मैकमोहन रेखा के दक्षिण में पड़ता है। उस पर भारत का कब्जा केवल भौगोलिक स्थिति के कारण है, बल्कि सन 1951 तक भारत पर तवांग पर समुचित प्रशासनिक नियंत्रण तक नहीं था। ऐसा तब हुआ जब 1950 में चीनी सेनाएं तिब्बत में घुस गई। 19वीं सदी आधी से ज़्यादा बीतने तक इटली और जर्मनी यूरोप में भौगोलिक इकाई के रूप में मौजूद नहीं थे। दोनों विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सीमाओं में नाटकीय बदलाव आया। सोवियत संघ के पतन के बाद एक बार पुनः ऐसा हुआ। वहीं अगर नेपोलियन ने मिसिसिपी के पूर्व का इलाका सन 1803 में थॉमस जेफरसन को नहीं बेचा होता तो अमेरिका आज जैसा नहीं होता। उस कदम से अमेरिका का भौगोलिक क्षेत्र एक झटके में दोगुना हो गया। पश्चिम एशिया और अफ्रीका की बात करें तो सभी जानते हैं कि उनकी सीमाएं साम्राज्यवादियों ने मनमाने ढंग से खींची थी। अक्सर ये सीमाएं मानचित्र पर सीधी रेखा के रूप में नज़र आती हैं। इस दौरान जनजातीय पहचान और क्षेत्र का ध्यान नहीं रखा गया। यही कारण है कि वहाँ पड़ोसियों के बीच आए दिन विवाद होते हैं। 21वीं सदी में भी सीमाओं में बदलाव हुआ है। रूस ने
क्रीमियम प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। क्रोकेशिया में राज्यों के बीच झगड़ा है, वहाँ भी हर देश के पास ऐतिहासिक तथ्य है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में प्रवाल द्वीपों को समुद्री अड्डे में बदल दिया है। यह इतिहास हमें यही सिखाता है कि सीमाएं हकीकत से उत्पन्न होती है, स्वायत्त तथ्यों से नहीं। मनमोहन सिंह ने सीमाओं को अप्रशासनिक बनाकर विवाद टालने की नीति को अपनाना कब मुश्किल हो चला, क्योंकि आक्रामकता की संस्थापित रोकथाम कमज़ोर हो रही है और अब मामला केवल ताकत का रह गया है। परंतु देखा जाए तो शायद हालात हमेशा ऐसे ही थे।